अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मेरी किसी न किसी वीडियो के अंदर देखते होंगे, आपको इंग्लिश सबटाइटल यानी कि कैप्शन दिखाई दे रहे होंगे। तो मैं अपनी वीडियो के अंदर ये सबटाइटल क्यों यूज़ करता हूँ, ताकि जो मेरी वीडियो है वो पाकिस्तान इंडिया से भी बाहर देखी जाए, यूके कनाडा अमेरिका में भी देखी जाए, ताकि मेरे व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप भी अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको भी अपनी वीडियो के अंदर सबटाइटल का यूज़ करना चाहिए। अब सबटाइटल होते क्या हैं, जो भी आप बोल रहे होंगे वो नीचे इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप लगाना चाहें वो नीचे लिखता जाएगा। तो इससे आपकी वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आने के चांसेस होते हैं। तो ये कैप्शन हो गए, सबटाइटल हो गए, आपने कैसे लगाना है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने लगा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके कुछ बेनिफिट्स बता दूं कि अगर आप यूज करते हैं तो इससे आपको कितना ज्यादा फायदा होता है। नंबर वन पे मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी वीडियो के अंदर सबटाइटल यूज करते हैं तो यूट्यूब क्या करता है, आपकी वीडियो के इंप्रेशन बढ़ा देता है। अब देखें, जैसे मैं उर्दू में बात कर रहा हूं तो मेरी वीडियो के इंप्रेशन यूट्यूब कहां पे भेजेगा, पाकिस्तान इंडिया में। अगर यहीं पे मैं इंग्लिश सबटाइटल यूज करूंगा तो यूट्यूब क्या करेगा, मेरी वीडियो को बाहर के ममालिक में भी भेजेगा, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज में भी। तो सेम इसी तरह अगर आप भी यूज करेंगे, आपकी वीडियो के भी इंप्रेशन ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब बढ़ाएगा। अब मैं आपको बता दूं, नंबर टू पे अगर आप सबटाइटल का यूज करते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं यूट्यूब पे जो सुन नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, सिर्फ पढ़ सकते हैं। अगर आपने सबटाइटल का यूज किया होगा तो वो लोग भी आपकी वीडियो को वॉच करेंगे, जिससे आपका चैनल ग्रो होगा। और नंबर थ्री पे मैं आपको सबसे बड़ा बेनिफिट बता दूं, अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है, आप उसके अंदर इंग्लिश सबटाइटल यूज करते हैं तो आपकी वीडियो बाहर के ममालिक में देखी जाती है, जैसे कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, यूके हो गया। वहां पे जो आपकी वीडियो पे एड्स लगते हैं वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं, जिससे आपका जो है ना रेवेन्यू काफी ज्यादा बनता है। तो इसलिए आपको सबटाइटल लगाने का लाजमी से तरीका आना चाहिए। तो कैसे आप सबटाइटल लगाएंगे, आइए मैं आपको सिखाता हूं। इसके लिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये कल के हमारे वीडियो के विनर हैं, आप इनके चैनल को सपोर्ट करें, बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाते हैं। इनके चैनल का लिंक मैंने अपनी कम्युनिटी में भी शेयर कर दिया है। और अगर इसी तरह आप भी अपने चैनल की प्रमोशन कराना चाहते हैं तो आपने करना यह है, मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। अगर आप विनर आएंगे तो आपके चैनल की प्रमोशन मैं बिल्कुल फ्री में कर दूंगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब वीडियो के अंदर सबटाइटल लगाने के लिए आपने क्या करना है, अपने YouTube चैनल को क्रोम ब्राउजर में ओपन कर लेना है। वो कैसे करना है, ये देखें, आपके सामने क्रोम ओपन है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ studio.youtube.com। जैसे मैंने सर्च किया, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा है रिटर्न टू स्टूडियो, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये आपके सामने मेरा चैनल डेस्कटॉप सेट में ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, आपको ऑप्शन दिखाई देता है कंटेंट का, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इस पेज पे आने के बाद मैं अपनी किसी भी वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें, मैंने क्लिक कर दिया और आपके सामने मेरी वीडियो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ से ये देखें, जब आप अपनी वीडियो को अपलोड कर रहे हो, अगर आप यूट्यूब से करते हैं या वाईटी स्टूडियो से, तो वहाँ से आपने अनलिस्टेड रख के अपलोड कर देनी है और क्रोम में आके यहाँ से आपने सबटाइटल लगाने हैं। अगर आप क्रोम से वीडियो को अपलोड करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल ही जाता है। अब यहाँ पे ये देखें, आपने सबटाइटल लगाने के लिए जो सबसे पहला काम करना है वो आपने क्या करना है, नीचे स्क्रोल करना है। ये आपको ऑप्शन दिखाई देता है शो मोर का, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। नीचे आ जाते हैं, मैं इसको जूम करता हूँ। यहाँ पे ये देखें, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है वीडियो लैंग्वेज का। आपने वीडियो लैंग्वेज क्या रखनी है, हिंदी रखनी है, आपने उर्दू नहीं रखनी। मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और हिंदी रखता हूँ। तो ये आपके सामने हिंदी आ चुकी है। आपको पता है हिंदी और उर्दू बोलने में एक ही तरह की है, ठीक हो गया। ये सब टाइटल का ऑप्शन हमें हिंदी में ही मिलता है। इसके बाद हमने क्या करना है, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ इंग्लिश। ये देखें, मैंने आपके सामने इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया। तो ये सिलेक्ट करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेव का, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। आपने सेव कर देना है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, मैं जूम करता हूँ, ये राइट साइड पे आपको दिखाई दे रहा है सबटाइटल का ऑप्शन, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें, आपके सामने हिंदी में जो है ना सबटाइटल सारे जनरेट हो चुके हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। तो सेव करने के बाद अब हमने सबटाइटल जिस लैंग्वेज में लगाने हैं उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, ये देखें लेफ्ट साइड पे आपको डॉलर से ऊपर सबटाइटल का ऑप्शन मिलता है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाता है। ये आपको सेकंड पे दिखाई दे रहा है हिंदी विंडो लैंग्वेज, इसके सामने जो पेंसिल है मैं पेंसिल पे क्लिक कर देता हूँ।
अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो का जो टाइटल है इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ दूसरे सेक्शन में। ये आपके सामने मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके दूसरी साइड पे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देता हूँ। ये भी आपके सामने पेस्ट हो चुकी है। ये काम आपने लाजमी से करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आपको पब्लिश का ऑप्शन दिखाई देता है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो पब्लिश करने के बाद अब यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई देता है इंग्लिश टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज वाला, इसके सामने मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये देखें, ये पेंसिल का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। और इस पेज पे आने के बाद अब आपने क्या करना है, लास्ट पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑटो ट्रांसलेट का, बस सिर्फ आपने ऑटो ट्रांसलेट पे क्लिक कर देना है। ये देखें, मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये आपके सामने आ चुका है। जो हमारे हिंदी में सब टाइटल थे वो सारे इंग्लिश में आ चुके हैं, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लाइन बाई लाइन वर्ड बाई वर्ड इंग्लिश में आ चुका है। अब हमने करना क्या है, ऊपर आपको पब्लिश का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बस आपने पब्लिश पे क्लिक कर देना है। ये देखें, मैंने क्लिक कर दिया तो अब आपके जो सबटाइटल हैं वो लग चुके हैं। वो आपको कैसे पता चलेगा, ये देखिए मैं अपने चैनल पे आ चुका हूं, मैं अपने उस वीडियो पे क्लिक कर देता हूं। ये आपके सामने मैंने क्लिक कर दिया, ये मैंने स्किप की ऐड। अब यहाँ पे ये देखें, आपके सामने मेरी वीडियो चल रही है, साइड पे आपको दिखाई दे रहा है कि इंग्लिश सबटाइटल भी नीचे लगे हुए हैं। तो ये कैप्शन सबटाइटल मेरी सारी वीडियो के अंदर आपको दिखाई देंगे। और ये मेरी वीडियो पाकिस्तान, इंडिया, यूके, अमेरिका, कनाडा, हर जगह पे देखी जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे सबटाइटल भी ऐड कर दिए हैं। तो दोस्तों, ये है वो तरीका सबटाइटल ऐड करने का। अगर आप भी अपनी वीडियो के अंदर सबटाइटल ऐड करना चाहते हैं, अपने YouTube चैनल को ग्रो करना चाहते हैं या ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने इस तरीके से ही सबटाइटल ऐड करने हैं। जिस लैंग्वेज में आप करना चाहें उसी लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो मैंने आपके सामने किस लैंग्वेज में किए, इंग्लिश में किए। तो उम्मीद है कि ये तरीका आपको समझ आ चुका होगा कि आपने अपनी वीडियो के अंदर सबटाइटल कैसे लगाने हैं। तो इसी के साथ, अगर आज की मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।